नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रैवलिंग भारत पर। आज हम निकले हैं 14 अगस्त की रात देखने के लिए आगरा की, मैं 15 अगस्त को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं। रात के समय बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है आगरा शहर का। रोड इतने साफ हैं, मान के चलिए जैसे कि जैसे अभी की अभी बरसात होने के बाद झाड़ू पोछा लगाया गया हो। खंभे पर एक भी लाइट बंद नहीं है, सभी लाइटें झिलमिल चमचमा रही हैं, मानो आगरा शहर लाइट की रोशनी में नहाया हुआ हो। शुरुआत हम करेंगे अपने घर के पास से, यहाँ से सजा हुआ है ये जालमा हॉस्पिटल। जालमा हॉस्पिटल से आगे हम चलेंगे ताजमहल की तरफ होते हुए फूल से ये चौराहे पर, यहाँ लाल बहादुर शास्त्री जी की मूर्ति और उसके आसपास का नज़ारा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। जब आप देखेंगे तो आपको भी आइडिया लगेगा कितनी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। पूरे पर लाइटिंग कलरफुल तरीके से लगाई गई, लाल पीली हरी गुलाबी लाइट लगी हुई है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये चौराहा। ये आप देख सकते हैं गार्डन्स कितने तरीके मेंटेन किए गए हैं, इसमें साफ़ सफाई कितनी की गई है, मूर्ति को नहलाया गया है। बाकी और दिनों मूर्ति गंदी रहती है, आज ऐसा नहीं है, आज सारी मूर्तियाँ साफ़ हैं। इसके आगे चलेंगे हम प्रतापपुरी की तरफ। उससे पहले ये देखिए आप चौराहे पर तिरंगा लहरा रहा है, और जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे हम लोगों को और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आज आगरा हकीकत में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा है आज आगरा। और हम पहुँच गए हैं प्रतापपुरा चौराहे पर, यहाँ हम देखेंगे बड़ी ही खूबसूरत मूर्ति है ब्लैक कलर में, काले घोड़े के ऊपर महारानी अवंतिका लोधी जी की मूर्ति है प्रतापपुरा चौराहे पर। इसको भी लाइटिंग से पूरी तरह सजाया गया है, चारों तरफ कलरफुल लाइट लगाई गई हैं। ये देखिए आप लेफ्ट साइड से राइट साइड से जहाँ से भी देखेंगे आप पूरे चौराहे को लाइटिंग से सजाया गया है। वीरांगना महारानी अवंतिका लोधी जी की मूर्ति है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा लग रहा है देखने में। 15 अगस्त से एक दिन पहले की ये रात है, कल आज़ादी का जश्न पूरा देश मना रहा होगा। देश के साथ साथ हमारा आगरा भी किसी से कम नहीं है। आप चौराहे पर निकलेंगे, किसी भी चौराहे पर निकलिए आप, ये सेंट्रल चौराहा है, यहाँ आप देखेंगे कि राजनीतिक पोस्टरों से पूरा पटा हुआ है। पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो सेंट जॉन्स कॉलेज की बिल्डिंग है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है लाइटिंग में। और बाहर भी आप देखेंगे रोड पर भी काफ़ी लाइट जगमगा रही हैं, कोई भी स्ट्रीट लाइट आज ख़राब नहीं मिली हमको। मैंने लगभग दीवानी चौराहे तक वीडियो बनाया है, मुझे कोई भी लाइट ख़राब नहीं मिली। रात का 11 बजे का समय है और ये रिपेयरिंग का काम चल रहा है। ये आप देख रहे हैं गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, लाइट ठीक करने का कार्य वहाँ कर रही हैं रोड पर। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं रोड पर भी कहीं कोई गंदगी नहीं है। ये हमारा कलेक्ट्री आगरा जिला अधिकारी कार्यालय, ये पूरा रंग बिरंगी लाइटों से सजा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत स्लोगन लिखा हुआ है, बेटी आगे बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ किनारे के साथ। अब हम आगे की ओर चलते हैं। ये हम पहुंच रहे हैं भारत माता की मूर्ति के पास दीवानी चौराहे से पहले। ये हम दीवानी के ठीक सामने हैं, भारत माता की मूर्ति है। इस मूर्ति के ऊपर सारे सज्जों सज्जा का काम ABBP छात्र संगठन ने किया है, उनके यहाँ बैनर भी लगे हुए हैं और पूरे लाइटिंग से सजाया गया है इसको। देखिए आप चारों तरफ से ABBP के नज़ारे बैनर भी लगे हुए हैं और लाइटिंग से पूरा सजाया गया है, वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आगरा इतना खूबसूरत लग सकता है और इतनी बढ़िया तरीके से लाइटिंग इसको सजाया गया है। मूर्ति भी काफ़ी खूबसूरत इस बार रखी गई है, क्योंकि पिछली बार अराजकता के तत्वों ने भारत माता की मूर्ति को तोड़ दिया गया था कुछ साल पहले, पर अब इस मूर्ति को दोबारा से रखा गया है। ये भारत माता की मूर्ति है,
इसको लेकर काफ़ी आंदोलन हुए थे। यहाँ जिन लोगों ने मूर्ति स्थापित कराने में फिर से मदद की उनके नाम लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते। देखिए काफ़ी अच्छी मूर्ति और खूबसूरत मूर्ति बनाई गई है, लगाई गई है और चारों तरफ लाइटिंग से सजाया गया है। आप देख सकते हैं हर तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग है। अब हम पहुंच गए हैं सीधे आगरा कैंट। आगरा कैंट पर सीधे हम सलामी देंगे अपने राष्ट्रीय ध्वज को। देखिए काफ़ी ऊंचाई पर लगा हुआ है और आई लव आगरा यहाँ लिखा हुआ है। आजकल ये बड़ी सुर्खियों में रहता है और सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, जहाँ भी टूरिस्ट वहाँ से आगरा कैंट से बाहर निकलते हैं तो यहाँ फ़ोटो ज़रूर खिंचाते हैं। तिरंगा ऐसे ही लहराता रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। सभी भारतवासी 15 अगस्त को, यही एक ऐसा त्यौहार है जिसको हम हर भारतवासी जातिवाद धर्मवाद को भूलकर इसको सेलिब्रेट करते हैं। ये देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत लगता है जब आप आगरा कैंट आएंगे और तिरंगे की ओर देखेंगे तो आपको अंदर से गौरवान्वित महसूस होगा कि हम किसी चीज़ को हम देख रहे हैं जिससे हमारा। और ये देखिए आगरा कैंट किस तरीके से सजाया हुआ है, पूरा लाइटिंग से सजाया हुआ है। छावनी आगरा उर्दू में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आपको दिखाएंगे भी। यहाँ पहले आप देखिए तिरंगे को, मानो आज की रात हवा भी इतनी प्यारी चल रही है कि तिरंगा खुद ब खुद लहरा रहा है। ये देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत वीडियो बनाया गुरु। अगर ये वीडियो सच में आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइबेशन से हमको मोटिवेशन मिलता है, आपके लाइक की हमको हिम्मत मिलती है और आपके कमेंट से दिल से खुशी मिलती है कि हाँ मैं शायद कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, इसकी वजह से आप मुझे कमेंट कर रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगरा कैंट ये देखिए आप, वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा है आगरा कैंट बाहर से। आप देखिए तिरंगा ऐसे ही लहराता रहे, हम भारतवासियों के दिल में तिरंगे के प्रति सम्मान बना रहे, कभी इस तिरंगे की आन बान शान ना जाने पाए। इसी ये देखिए आगरा कैंट के बाहर अटल चौक भी पूरी तरह से सजा हुआ है, रंग बिरंगी लाइटों से और चारों साइड से तिरंगा लगा हुआ है। वाकई दोस्तों बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगर यह वीडियो आपको रियली में काफ़ी अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।